एसएल की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटीडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चिट फंड में कारोबार में किसके रुपये लगे थे? लाखों करोड़ों गरीबों ने चिट फंड में पैसा जमा कराया और राजनेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों करोड़ों रुपयों के चिट फंड के पैसे गायब हो गए और चिट फंड के कारण सैकड़ों परिवार के मुखियाओं को आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, मरना पड़ा था। जरा इतिहास गवाह करके देख लो, वो आज मुझे सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं इतने दिनों से, पिछले 15 दिनों से मैं कुछ खास अपडेट आप सबको पीएसएल के बारे में नहीं दे सका। उसके पीछे दोस्तों कई कारण है कि मैं पहले तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैं हिमाचल चला गया था, फिर 4-5 दिन के बाद वहां से लौटा तो फिर मैंने सोचा अब आपको न्यूज देना शुरू करूंगा, फिर मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो दोस्तों अब जाके मेरी तबीयत ठीक हुई है, तो अब मैं आपको दोस्तों रेगुलर अपडेट दूंगा जो भी पीएसएल की खबर आएगी और आप सभी के जो सवाल आते हैं उनका भी जवाब दूंगा। और दोस्तों मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। दोस्तों जो सेबी की तरफ से अपडेट आई है नई, उसके बारे में बताऊंगा और सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग कब है सुनवाई पीएसएल केस की। और दोस्तों पीएसएल पीड़ित फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं ताकि पीएसएल का पैसा जल्द मिल सके। और दोस्तों जो आपने फ्रंट में थंबनेल देखा मैं उसके लिए भी माफी मांगना चाहूंगा, वो मैंने सिर्फ आप सबको एक जरूरी खबर देने के लिए ही वो ऐसा लिखा ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों मोदी जी ने चिट फंड कंपनियों के बारे में भी कुछ भाषण में अपने कहा था, वह आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, मैं आपको काफी सारी पीएसएल की खबरें इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेबी की आई हुई नई अपडेट के बारे में। दोस्तों हालांकि ये अपडेट तो 16 जनवरी को ही आई थी, लेकिन दोस्तों मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो सोचा मैंने आप सबको आज ही बता दूं। हो सकता है आप में से काफी लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि सेबी के नए पब्लिक नोटिस में क्या है। दोस्तों सेबी के इस नोटिस में ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें सेबी ने बताया है कि दोस्तों कमेटी को 13,863 नई प्रॉपर्टियों का पता चला है पीएसएल की नई प्रॉपर्टियों का। जैसे कि दोस्तों आपको हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सेबी का नोटिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि पहले से ही पीएसएल की 29,000 प्रॉपर्टी की डिटेल सेबी के पास है, कमेटी के पास है। और दोस्तों अब 18,863 प्रॉपर्टियों का और भी डिटेल्स कमेटी के पास आई है। और दोस्तों इन सभी प्रॉपर्टियों की डिटेल सेबी पीएसएल प्रॉपर्टीज .com पर उपलब्ध है, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे सारा डिटेल उन्होंने इस नोटिस में दिया गया है। दोस्तों अगर आप इस नोटिस को खुद पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस नोटिस पर पहुंच जाएंगे और आप इस नोटिस को पूरा हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैंने इसे पूरा हिंदी और इंग्लिश में अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप दोस्तों इस वेबसाइट पर जाके पूरा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ सकते हैं और पीएसएल की प्रॉपर्टी भी जाके चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। और दोस्तों एक और बात इसमें जरूरी है कि दोस्तों इन्होंने अभी भी पीएसएल की प्रॉपर्टियों को auctionpsl.com पर अपलोड कर रखा है, ये वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है पीएसएल प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए, मतलब सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल उस वेबसाइट पर दी गई है। लेकिन दोस्तों अभी तक जो सेबी के पास ऑफर आए थे उनके बारे में अभी तक सेबी ने कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही उन ऑफर को स्वीकार किया है। और दोस्तों आगे इस बारे में जो भी जानकारी आएगी, जो भी कुछ नया अपडेट आएगा, मैं अब आपको रेगुलर देता रहूंगा। और आपका अगर इस बारे में कोई भी सवाल या सुझाव कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, मैं दोस्तों अब आपको सभी सवालों का जवाब दूंगा और जो भी आप सवाल पूछेंगे मैं उन सभी सवालों का पता करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों फिलहाल तो मुझे पता चला कि पिछले काफी 15 दिनों में ज्यादा कुछ खास अपडेट नहीं आई थी, लेकिन हाँ आप जो आगे आएगी वो अब आपको सीधा हमारे चैनल पर पता चल जाएगा और आपको हमारे वेबसाइट द्वारा भी पता चल जाएगा। तो आप हमारे एमटीडी न्यूज चैनल से, वेबसाइट से और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है एमटीडी न्यूज के नाम से, सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। और दोस्तों पीएसएल केस की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को है, 5 फरवरी 2019। और दोस्तों पीएसएल केस की आखिरी सुनवाई में कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ था और मैं अभी पता कर रहा हूं, अगर मुझे कुछ खास जानकारी मिलती है तो मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और बाकी अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है, कोई आदेश नहीं आया है। और दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुझे ये खबर सुनने में आई थी कि
कि फरवरी से दोस्तों जो ज्यादा अमाउंट वाले हैं उनको पैसा मिलना शुरू होगा, लेकिन ये कितना खबर सच है झूठ है ये मैं अभी आपको 2-3 दिन में पूरा कंफर्म करके बता दूंगा कि ये खबर सच है या झूठ है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप अखबार की कटिंग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि 2 फरवरी को जंतर मंतर पर फिर से धरना प्रदर्शन है पीएसआर पीड़ितों का। और दोस्तों ये मैंने अखबार की कटिंग पूरी अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके इस अखबार को पूरा पढ़ सकते हैं और दूसरे सभी साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ये खबर आई है जयपुर से। और दोस्तों एक और जरूरी बात यह है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें से भारतीय लोक सेवा दल जो कि दोस्तों अब एक राजनीतिक पार्टी है और जो कि गरीब निवेशकों और पीएसएल पीड़ितों एवं अन्य काफी सारे चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने अब राजनीतिक पार्टी बनाई है ताकि गरीबों को उनका हक दिला सके। क्योंकि दोस्तों आप में से काफी लोग यह भी कमेंट कर रहे थे कि अब राजनीतिक पार्टी बना ली है तो अब इनको पैसा मिलने से कोई मतलब नहीं होगा या फिर अब ये पैसा दिलाने के लिए नहीं लड़ेंगे सरकार से। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये अब भी आपके लिए इतना ही लड़ रहे हैं। और यह भी एक जरूरी बात है कि आप में से काफी लोग होंगे जो कि जिनको कि पीएम मोदी भी पसंद नहीं होंगे और जिनको राहुल गांधी जी भी नहीं पसंद होंगे। और दोस्तों आप ऐसे में चाहते हैं कि हम इन दोनों को वोट ना दें तो इसलिए अब उन्होंने अब नई पार्टी बनाई है तो आप उनको वोट दें, उनका ऐसा कहना है। क्योंकि दोस्तों पीएसएल निवेशकों की ना मोदी सरकार ने सुनी है ना ही कांग्रेस की सरकार ने सुनी है। तो अब ऐसे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको वोट देना है, यह बात आपके ऊपर है, आप किसको सपोर्ट करते हैं। और हाँ, वोट देना किसको नहीं देना है वो अलग बात है, लेकिन हाँ, लेकिन सबसे पहले जरूरी यह है कि सभी पीएसएल निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए चुनाव से पहले। और चुनाव दोस्तों इतना नजदीक आ चुका है और अभी तक बीजेपी की सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है कि पीएसएल निवेशकों का भी पैसा इस साल मिल जाएगा। और दोस्तों मोदी सरकार को हम यह भी नहीं कह रहे कि आप सरकारी खजाने से पैसा निवेशकों में बांटे, बल्कि जो पीएसएल की अभी बताया जैसा कि सेबी की नोटिस में बताया कि 29,000 प्रॉपर्टी है और 18,000 और भी प्रॉपर्टी का पता चला है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है उनको सेल करे वो, ये तो खुद वो प्रॉपर्टी सरकार ले ले और उसके बदले में निवेशकों का पैसा लौटा दे, कम से कम इतना तो सरकार कर ही सकती है। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों देरी हो रही है, अब उसके पीछे क्या कारण है आप खुद समझिए। और किसको वोट देना है किसको नहीं देना है ये अब आपके ऊपर है। बाकी जो भी अपडेट था जो भी खबर थी मैंने आपको बता दिया है। भाइयों बहनों, ये 500 और 1,000 की नोटों बंद करने के कारण आपको तो असुविधा हुई है, इसका मैंने पहले दिन भी इनकार नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों की तो सारी जिंदगी तबाह हो जाए ऐसा उन लोगों को दंड दिया है मैंने, क्योंकि उन्होंने गरीब का लूटा है, मध्यम वर्ग के लूटा है, आपके हक का पैसा लूट करके अपना कारोबार चलाया है। इसलिए भाइयों बहनों ये लड़ाई मैंने छेड़ी है और मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्या देश नहीं जानता है चीट फंड में कारोबार में किसके रुपये लगे थे? लाखों करोड़ों गरीबों ने चीट फंड में पैसा जमा कराया और राजनेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों करोड़ों रुपयों के चीट फंड के पैसे गायब हो गए और चीट फंड के कारण सैकड़ों परिवार के मुखियाओं को आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, मरना पड़ा था। जरा इतिहास गवाह करके देख लो, वो आज मुझे सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक करें। और दोस्तों अपने सभी पीएसएल निवेशक साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी तक ये खबर फैलाइए और आगे भी अब आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, एमटीडी न्यूज को लगातार विजिट करते रहें। तो गुड बाय दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई खबरों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। पीएसएल की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटीडी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।